दिल्ली के पास गुरुग्राम में घर के अंदर हरियाणा पुलिस के असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर की गोली मारकर हत्या करने का मामला सामने आया है। पुलिस को सूचना मिली कि डीएलएफ फेज 3 इलाके के नाथापुर गांव के यू ब्लॉक के एक मकान में हरियाणा पुलिस के जवान नरेश यादव की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। जब पुलिस मौके पर पहुंची तो नरेश का शव बेड पर खून से लथपथ पड़ा हुआ था। पुलिस ने शुरुआती जांच में अज्ञात के खिलाफ केस दर्ज कर नरेश के शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया, लेकिन हत्या के बाद से मृतक एएसआई नरेश का बेटा मोहित घर से फरार है। पुलिस का कहना है कि शव तो पूरे परिवार पर ही किया जा रहा है, क्योंकि वारदात के समय पूरा परिवार घर पर ही मौजूद था, लेकिन ये तो जाँच के बाद ही साफ हो पाएगा कि आखिर एएसआई नरेश की हत्या किसने की। ये एएसआई नरेश कुमार है, जिनकी उम्र लगभग 46 इयर्स है और फरीदाबाद में ये पोस्टेड हैं। इनकी अर्ली मॉर्निंग 3 बजे के आसपास इस घटना को अंजाम दिया गया, जो अभी एफआईआर दर्ज कर ली है और आगे की इन्वेस्टिगेशन। किसके खिलाफ एफआईआर दर्ज है और क्या कुछ शुरुआती जांच में मिला है कि ये वारदात कैसे हुई? अभी जो एफआईआर है वो अननोन के खिलाफ दर्ज है, बाकी अभी आगे की इन्वेस्टिगेशन चल रही है। जैसे जैसे सबूत आएंगे सामने उस हिसाब से कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। हत्या कैसे हुई है सर? उस वक्त कितने लोग घर में मौजूद थे? उस टाइम जो हत्या है वो घर के लोग ही थे मौजूद, उनसे अभी पूछताछ कर रहे हैं। और ये गोली लगने से जहाँ तक प्रतीत होता है कि गोली लगने से हत्या हुई, उनकी मृत्यु हुई है, पर एक्चुअल फैक्ट्स तो पोस्टमार्टम के बाद ही पता चल पाएंगे। घर में बेडरूम में लाश मिली है, ऐसे में घर के सब लोग मौजूद थे उस वक्त, बताया भी जा रहा है कि बेटा फरार है वहाँ से, दे उसी को अभी ढूंढने की कोशिश हो रही है। जब तक पूरे सबूत नहीं आ जाए तो किसी के ऊपर हम शक सभी पे किया जाता है, बट एग्जैक्ट कौन है वो वारदात करने वाला उसके बारे में आपको थोड़ा समय लगेगा, वो बता देंगे।